रोटरी क्लब ऑफ चकवाल की मीटिंग ये इधर ख्वाजा बाबर सिंह महमूद की सदारत में हुई है। तो ये सेक्रेटरी जनरल जफर अब्बास मनात ने एजेंडा पेश किया और इस मौके पर काजी मोहम्मद अकबर खुर्रम अब्बासी टोनी और ख्वाजा बाबर सिंह महमूद ने जो गुफ्तगू की है ये मुलादा करें। दोबारा जी ये मैं बात कर रहा था तो खुर्रम अब्बासी को 24 सुभाष रूम उन्होंने कहा जी जगह दसो केडी थी कार वो कागज की थी अगर मौजूद थे परसों उन्होंने कहा जगह दसो जी कितने लाने दोबारा जी ये अगर मामला फिर वो अगर हमने वो बात की पीने का पानी वो 8-10 करोड़ रुपये का ये प्लांट पूरा उन्होंने खुर्रम अब्बासी धोनी ने उसका भी ऐलान किया हुआ कि ये हम इंशाल्लाह देखो आज शहर में ये और पीने का साफ पानी ये सबसे बड़ा मसला है और अरबों रुपए लूटे गए हैं। मैंने आगे मिसाल की फिर कहते हैं खाई डैम से पानी आ रहा है रविंदर साहब ये देखे ना ये पैसे खा रहे हैं ना। हाँ मतलब है कि वो 1 अरब रुपए हाँ जी साहब का आज आगे आ जाओ जगह में खा लगा आगे बता दे आओ जी आज आ जाओ दोबारा जी ये इंशाल्लाह रोटरी क्लब के बाद वो टेकिंग ऑफ और इंशाल्लाह बड़े ठीक है और सारा ये मामला आगे चलेंगे। तो मैं अभी बाबर साहब के नादर मौका है आपके हवाले से भून ये जो सड़क ये भून की बन रही है वो देख ले तक बलूक वाली देख ले और सारा जी खंडर रोड आपको टूटी टूटी इन पे रोज खबरें भी दे रहे हैं बात भी कर रहे हैं। दोबारा ये अल्लाह को इनको पूछे ये सारा जो उसके बाल को जिन्होंने ये सारा खंडर बनाया इन्होंने सारा सड़कों को दोबारा मैं पिछले जैसे ख्वाजा साहब ने कहा 24 अप्रैल को यहाँ फर्स्ट रोटी का वो एक फंक्शन हुआ था 30 अप्रैल को। पहले तो मैंने रोटरी का नाम सुना था है क्या लेकिन अभी थोड़ा डिटेल से पता चला ये क्या है। तो उनके जो आए हुए थे यहाँ सलीम साहब जिससे मेरी बाद में भी मुलाकात हुई उन्होंने मतलब बड़ी अजीब मतलब बड़ी अच्छी बात है जिन्होंने कहा जी हमने इंडिया में 1.5 लाख प्रोजेक्ट दिए 1.5 लाख प्रोजेक्ट आई बीन सो सरप्राइज 1.5 लाख प्रोजेक्ट। मैंने कहा यार अगर वो 1.5 लाख वहाँ बना सकते हैं तो वाई नॉट वी कैन गेट समथिंग फॉर द वॉर। तो मैंने उससे गुजारिश की मैंने कहा मुझे अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ चपाल में क्या क्या चाहिए बेसिकली वी नीड वाटर क्लीन एंड हेल्थी वाटर क्योंकि वाटर जो है ना असल बुराई बीमारियों की जड़ ही साफ कर रहा है। अगर गंदा पानी जाएगा तो आपको हेपेटाइटिस की दूसरी बीमारियाँ ये किस को होंगी। तो चलो इस पर मैं काम कर रहा हूँ हमारी टीम भी मेरी ड्यूटी लगाई है कि इसमें कोई 4-5 ऐसे प्लांट पता करे जो पूरे शहर को ना इधर आने वाले टाइम में उनका कोई फार्मूला होता है 70-30 होता है 30% वो हम लगाएं 70 वो तो जो जितना भी उसका बजट बनेगा 30% के हिसाब से मैं कादिर साहब से अपनी चैम्बर है खुद मैं भी हम कंट्रीब्यूट करेंगे 30% क्या 70 वो दें तो हम उसमें 70-80 तो लें ना और 30% हम कंट्रीब्यूट करें कम से कम ये जो कि बेसिक मसला है ना पानी का ये तो खत्म होगा। इसके अलावा ये टॉयलेट की बात है तो छोटा सा काम है इंशाल्लाह ये तो हम 24-25 मैंने रात एडी से आए हुए थे यहाँ मैंने कहा यार मुझे ना कोई जगह आप जिगली करके दें प्रॉपर वो जिगली ये ना कि आपके पास कोई और आए वो फाड़ दें एक पब्लिक वो हो उसमें इंशाल्लाह जितने 24 हों 50 हों आप लोगों के जहन में ऐसी कोई जगह हों जैसे साहब कोई आपकी जहाँ फ्रूट मंडी है वहाँ पे कोई टॉयलेट की ज़रूरत है तो इंशाल्लाह मेरा प्लान है कोई 24-50 छोटे छोटे बॉक्स आप भी बैठ जाते हो तो सभी जाते हैं छोटे से बॉक्स अभी मैं न्यूजीलैंड का वो ऐसा अच्छा उनका सिस्टम है वो जगह जगह उन्होंने ना वो बॉक्स से बनाया हुआ है और उसके अंदर टॉयलेट लेडीज़ का अलग है जेंट्स का अलग है मतलब इतना साफ सुथरा तो मैं चाहता हूँ उसी तर्ज के ये टॉयलेट छोटे छोटे हमारे शहर में 20-50 जितनी भी ज़रूरत है हमारी तो इंशाल्लाह आई विल डू इट। और तीसरी बात वाटर प्लांट की हो रही थी 3 वाटर प्लांट हैं चकवाल में लगे हुए ना अभी मैंने पता कराया एक तो फिल्टर प्लांट एक सरबाग में एक लगा हुआ है गल्ला मंडी और दूसरा है ये कमेटी स्कूल जिसमें से ना जो गल्ला मंडी वाला है वो तो फंक्शनल है कुछ कर रहा है तो वो तो बिल्कुल काम नहीं कर रहे। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि इन दो के बारे में पता करें कि इनका क्या या तो अभी देखो ना अगले साल हम लोटरी में जाएंगे इट विल बी टेक 2 ईयर्स मतलब मंजूर होते 2 साल तो अभी जो करंट हमारे पास 3 है इसको तो हम फंक्शनल करें ना तो इंशाल्लाह इस पर उन्होंने रात से काम शुरू कर दिया है दे विल लेट अस नो। तो अगर ये कुछ इनके हैं तो हमें इंशाल्लाह कई साहब करूँगा कि इनको हम अपने हैंड ओवर कर दूँगा
के बजाय सरकार के ऊपर छोड़े हैं। सरकार तो बेचारी जैसे आप बता रहे हो उसके तो अपने लाले पड़े हैं, तो ये दो प्लांट हैं छोटा मोटा, इनको मेंटेन करके तो इन द फ्यूचर कि हम इनको मेंटेन करें और तो जितना भी अभी हो सकता है अवेलेबल इसको तो करें ना, लेकिन फ्यूचर जो प्लान है यही है पूरी चकवाल की 1 लाख आबादी जो है ये पूरी फिजिबिलिटी। ख्वाजा साहब को मैंने रिक्वेस्ट की है, भाई साहब को भी, पूरा जिला चकवाल तलाकान कलर कहार और मतलब पूरा जिला पूरी अगर एक फिजिबिलिटी बनाए आप लोग, अभी 1 साल है तो चला जब ये बनेगी ना तो आई बी मेट दैट पीपल था कि जो इनके अमेरिका इंग्लैंड बैठे मैं खुद जाकर उनसे मीटिंग करूंगा कि हमें जनाब ये करें 70-80% आप दें बाकी हम करेंगे। तो ये इंशाल्लाह जिले में होपफुली के नेक्स्ट 2-3 ईयर्स पानी का मसला तो हल हो जाएगा। फिर मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारे ज़िले में एक ना अच्छा हॉस्पिटल हो जिसमें बेचारे आपको भी पता होगा हम बचपन से सुन रहे जी बंदा बीमार हुआ टुडियाल तक पहुंच के पिंडी ले लो टुडियाल तक गया तो फारिग हुआ, ये हम बचपन से तब सब ही सुन रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ ये इंशाल्लाह आइंदा फ्यूचर में एक अच्छा हॉस्पिटल यहाँ होना चाहिए। किडनी मेरे दोस्त हैं जो किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं वो भी इंटरेस्टेड हैं, चकवाल के हैं तो दिल के भी हैं, कार्डिया भी हैं और गायनी भी, मतलब 4-5 जिसमें एक ऐसे शोबे हम डालेंगे जो यूनिक होंगे तो इंशाल्लाह बड़े बड़े डॉक्टर बड़े बड़े लोग दूसरे इलाकों से यहाँ पे इलाज के लिए आएंगे इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह फ्यूचर प्लान है कि इसको हम कैसे लेके चलते हैं, तो इससे एक फ़ायदा होगा चकवाल का, चकवाल के वाम को भी बल्कि वाटर क्लब जो है नाजम दौर में बारह ये तो जो कर गया ना उसका दर्द था देखें जो लोग जो कर गए ना, अब हम इस बहस में मैं जो कर गया ना उसका दर्द था, जो भी था जिसने 1 अरब खाया 2 अरब खाया या कितना अमीर हो गया 2 अरब खाने बताओ उसके हालात ऐसे ही रहने। आप देखो 20 साल के बाद भी उनके हालात यही होंगे, क्या बोलो क्या गेन कर लिया 1 अरब खा के बताओ, वही लाइफ स्टैंडर्ड होगा उसका, वही सब कुछ होगा, 10 अरब भी खा जाएगा उसका लाइफ स्टैंडर्ड वही रहना है। क्या आप खुद देख लो, क्या उसने कोई 2 के बजाय 4 रोटी खानी शुरू कर दी, क्या वो बिजनेस क्लास के बजाय अपना जहाज खरीद कर कहीं किसी मुल्क में जा रहा है, क्या किसी 5 स्टार के बजाय 7 स्टार, लाइफ स्टाइल उसका वही है, पहली बहुत थकड़ लाइफ थी उसकी और अभी थकड़ है, आप देख लो कहने की जरूरत नहीं है। तो हमें इन चीज़ में नहीं पढ़ना चाहिए कौन क्या था किसने, जो कर दिया ना फॉरगेट, तो लुक फॉरवर्ड, तो मैं वैसे पढ़नी नहीं चाहता किसने क्या किया जो उसका जर था जो किया। देखो पास 70-80 साल की लाइफ है, जब जाएगा दोबारा बाद कब्रिस्तान में आप ही जाके वो आप ही भुगत रहेगा जाकर जो करके गया, वो कहना आया था कुरान मजीद की मियां अमर खैर की तो खैर पाएगा बुरा पाएगा तो बुरा पाएगा, लेकिन हमें अब देखना है कि हमें क्या करना है, वी शुड लुक आफ्टर फॉर द न्यू जनरेशन, हम अच्छा काम अपने हिस्से का कर रहे हैं बस और ईमानदारी से करें, मैं चाहता हूँ मेहनत बोल जाए, मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कौन क्या कर गया यार, जो कर गया बस कर गया, हम अच्छा काम करें। अब मैं आखिर में रोटरी चेयर शादी अकबर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अभी जरा इस्लामी शादी में फिर बार बार बिल्कुल जो अच्छा काम है दोहराना चाहिए और काफ़ी फाउंडेशन बिल्कुल वेलफेयर के हवाले पे बिल्कुल ये वो मतलब इधर तो वो फोटो छिपाने वाले ज्यादा तो खामोशी दे आते आते काम हो रहे हैं और मतलब ऐसे कोई आते तशीर भी कोई नहीं है काफी अशरफ साहब के भाई और काफी बट ये वेलफेयर के हवाले पे बिल्कुल जो मैं देख रहा हूँ ये सब पे मतलब बहुत देर और बिल्कुल खामोशी दे और बिल्कुल लोगों की और बिल्कुल बेसहारा लोगों की जो है ना ये तो ये उन्हीं की दुआएं हैं, ये बिल्कुल अल्लाह का कानून है जो अल्लाह की मखलूक के लिए जो कुछ कर रहा है तो फिर अल्लाह भी अपनी जो है ना उसके बताने जो है ना खोल देता है काफ़ी अच्छा बता रहा सबसे पहले तो मैं आज रोटरी क्लब के और मुख्य टीम को वेलकम करता हूँ, इस सारी कोशिश ये इतराफ़ करने में कोई झिझक नहीं है कि आज रोटरी क्लब का जो प्लेटफॉर्म तशील पर है ये बाबर सलीम का बहुत खतरनाक है,
तो ये एक ऐसा इन्होंने बुनियाद रखी है जो सारी ज़िंदगी इस चटवाल के लिए एक अच्छा काम के जरिए बने। बाकी परम भाई ने जितनी बातें की हैं हम उनको 100% उनके साथ हर लिहाज से, मुझे बहुत खुशी है। हम इतराजात बहुत करते हैं, मैं इनकी एक बात से बहुत मुतफिक हूँ और मेरा अपना ईमान है। हम आते हैं प्लान क्या कर रहे हैं, छोटे गोली मार रहे यार, हम क्या करें। मेरा तो ये ईमान है, आप पहले हमने मैं भी करता था, वो क्या कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। फिर मैंने ये बात को समझी कि ये वक्त है कहने वाले, मैंने अपने सवाल किया कि मैं क्या करूँ। अगर मैं उस तरफ ध्यान दूंगा, अपने अपने काम पर अगर हम सब ध्यान दें तो बहुत से अच्छे काम होगा। बाकी परम भाई से जो कर रहे हैं ये सब को पता है, कोई ऐसे लालच नहीं है, कोई गरज नहीं है। एक बंदा बरतानिया में बैठा है, उसे क्या गरज है, अमरीका में बैठा उसे क्या गरज है। लेकिन इस धरती की इस मिट्टी की मोहब्बत उसे मजबूर कर रही है कि ये तो तुम्हारे ऊपर कर्ज है, इसलिए उतारना है। हम कोई एहसान नहीं कर रहे, हम इस मिट्टी की धरती का कर्ज उतार रहे और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इस अमल को तो कबूल कर ले। हम तो कर सकते हैं, वो भी अल्लाह की तौफीक से। तो जो इन्होंने अभी अनाउंसमेंट की है, हम फोरम के शानो बशानों खड़े हैं और हर लिहाज से उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। चकवाल चैम्बर जो काम कर रहा है वो भी एक, मैं कहता हूँ इस शहर में मुझे एक नज़र आता है कि चकवाल चैम्बर वायद रह गए। आप तो फरम टोनी भी चकवाल चैम्बर का हिस्सा, आप मैं फरम आपको अलग नहीं समझता। ये काम जितना भी होगा इंशाल्लाह इसको चकवाल चैम्बर के फाउंडेशन पे या खादी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे 10 करोड़ या 20 करोड़ का कोई मसला नहीं। आपकी विन होनी चाहिए, आपका इरादा होना चाहिए, कोई काम नहीं रुकता, कोई काम नहीं रुकता। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से भरपूर फरम को तावन से कराता हूँ, वेलकम करता हूँ कि अल्लाह करेंगे ये तो अच्छे काम हो रहे हैं। सबसे बड़ा अब हमारे चकवाल के अंदर स्पोर्ट्स जो है ना वो डेड हो गए थे, बिल्कुल तस्वर ही ख़त्म हो गया था। तो माड़ा मोटा तस्वर था वो भी अलहमदुल्ला जीरो हो गया। अब एक नए चेहरे ने इस अल्लाह के बंदे ने स्पोर्ट्स के को उठाया है, ये आपको आज नज़र नहीं आ रहा है। जो प्रैक्टिस शुरू हो रही है तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इसमें से भी हीरा निकलेगा, हीरे निकलेंगे और जो चकवाल का नाम रोशन करेंगे और उसमें फर्म का एक बहुत बड़ा हाथ होगा। हम सबको दावा देते हैं, सबको दावा देते हैं यार हमने छोड़ जाना, कोई चीज़ हमने लेके नहीं जाना, अगर लेके जाना अमर। तो मेरी गुजारिश है कि मैं ऐसे एक और आखिरी बात करना चाहता हूँ कि जितने भी काम करने वाले लोग हैं डिस्ट्रिक्ट चकवाल में, इंडिविजुअल बहुत काम कर रहे लोग आई नो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म पर समझ, हमें नाम से गरज नहीं है, हमें काम से। इसलिए मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि जितने दोस्त काम कर रहे हैं जो मेरे इलम में हैं और वो एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं और उस प्लेटफॉर्म पे हम एक बहुत जल्दी इसको काम में ला करेंगे इंशाल्लाह। और वो भी चकवाल की तारीख का एक बहुत बड़ा काम होगा, मुझे अल्लाह से उम्मीद है वो हमारी मदद भी करेगा और कबूल भी करेगा। तो मैं आखिर में फिर मैं काम करता हूँ, ये वायद एक ऐसा फोरम है ये जो बाबर भाई ने बनाया, मेरी बेगम कभी नहीं गई किसी, फर्स्ट टाइम ये इधर इसके चबूले, मैंने पूछा कि मैं नहीं जानती, मैंने कहा आ जाओ आप मेम्बर हो। तो अब हम थोड़ा सा हौसला पैदा करें, वेलकम अपने घर वालों को थोड़ा सा ठीक है, हमारे घरों का एक माहौल है, घर वो माहौल नहीं है कि हम सरेआम चलते हैं, लेकिन ये हम जो बैठे हैं ये फैमिली मेम्बर हैं, फैमिली मेम्बर हैं ये हम सारे फैमिली मेम्बर हैं और इस फैमिली को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए, ठीक है। जैसे आए लड़कियाँ आए बच्चों आए तो भी खुशी में शामिल हो। अब चैम्बर के प्लेटफॉर्म में हमने एक शुरू किया है कि जो भी मौत हो तो हम कोशिश करते हैं हम सारे जाते हैं,
अभी भाई साहब ने बात की ना स्पोर्ट्स के वाले से, तो माशाल्लाह हमारी हमने जो अकेडमी बनाई इसमें से चकवाल की हिस्ट्री में से पहली दफ़ा तीन लड़के पिंडी डिवीजन के लिए सिलेक्ट हो, और एक लड़का पेशावर जा रहा है खेलने और एक लड़का पिंडी डिवीजन।